आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि जहां दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डेंगू से बचाव के लिए एक मुहिम 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट छेड़ी हुई है, जिसे देश के हर वर्ग का, चाहे वो फिल्म जगत से हो, मीडिया जगत से हो, देश की न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हो या क्रिकेट जगत की विख्यात हस्तियां हो, सबका समर्थन मिल रहा है। वहीं भाजपा खुद डेंगू मच्छर बनकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस मुहिम को मारना चाहती है। जब एक तरफ दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी देश के तमाम प्रतिष्ठित हस्तियां, चाहे वो फिल्मी दुनिया से जुड़ी हो, चाहे साहित्य से जुड़ी हो, न्यायपालिका से जुड़ी हो, या क्रिकेट के खेल से जुड़े हुए महान हस्ती कपिल देव जी के समर्थन की बात हो, सभी वर्गों में डेंगू मुक्त दिल्ली बनाने का एक जज्बा देखने को मिला और सब ने मिलकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के इस अभियान में उनका साथ दिया। अपने अपने घरों में 10 हफ्ते तक सुबह 10 बजे 10 मिनट जो दिल्ली की जनता से अपील करके मुख्यमंत्री जी ने मांगा था, उस सफाई अभियान में डेंगू मुक्त दिल्ली बनाने में लोगों ने अपनी हिस्सेदारी ली। अभी अभियान 10 हफ्ते तक चलना है। हम दिल्ली को डेंगू मुक्त पूरी तरीके से बनाना चाहते हैं, इसके लिए संकल्पबद्ध हैं और इसीलिए हम सारे लोग इस अभियान में जुड़े हुए हैं, दूसरे को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारी सरकार डेंगू के मच्छरों को मारना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी वाले खुद डेंगू बनकर हमारे अभियान को मारना चाहते हैं। आज क्या किया उन्होंने? शर्म आती है कहते हुए, जिस अभियान में भाजपाइयों को खुलकर साथ देना चाहिए, किसी एक भी नेता का ट्वीट तक नहीं आया, कोई बयान तक नहीं आया कि एक सार्थक पहल, एक अच्छा कदम दिल्ली सरकार उठा रही है, डेंगू मुक्त दिल्ली बनाना है इसलिए हमको साथ देना है। एक किसी भाजपा के नेता का ना बयान आया ना समर्थन आया। कितनी दुर्भावना आप रखते हैं हमसे। अरे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने जाकर झुग्गी बस्ती के इलाकों में उस स्वच्छ भारत अभियान का समर्थन किया, सफाई की जाकर। ये आम आदमी पार्टी, ये अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीतिक द्वेष में आकर दिल्ली की जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। संजय सिंह ने कहा कि बड़े ही शर्म की बात है कि जहां दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के बारे में सोच रही है, दिल्ली को डेंगू मुक्त बनाने की मुहिम चला रही है, लेकिन भाजपा के एक भी नेता की ओर से ट्वीट तक नहीं आया। आज आपने एमसीडी की तरफ से एक डाटा जारी कराया, एक बयान जारी कराया, उस बयान में आप ऐसी बात कह रहे हैं जिसको किसी को समझ में भी नहीं आएगा और स्वीकार भी नहीं होगा। आप कह रहे हैं दिल्ली के एमसीडी के स्कूलों में डेंगू का लार्वा नहीं मिला। आप कह रहे हैं एमसीडी के दफ्तरों में डेंगू का लार्वा नहीं मिला, लेकिन दिल्ली सरकार के स्कूलों में, जिसका उदाहरण पूरी दुनिया दे रही है, वहां आपको लार्वा मिल जाता है। दिल्ली सरकार के दफ्तरों में, जहां पर खुद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि फ्राइडे को दफ्तरों की सफाई कीजिए, उस अभियान को भी उन्होंने शुरू किया।
वहां आपको लार्वा मिल जाता है। डेंगू का मच्छर खत्म करने के अभियान में भी राजनीति कर रहे हो, शर्म नहीं आती भाजपाइयों आपको? इतनी घटिया स्तर की राजनीति पे आप उतर आए, दिल्ली की जनता की चिंता नहीं आपको? डेंगू कैसे खत्म होगा, कैसे ये पीड़ा लोगों की समाप्त होगी, इसके बारे में तुम्हारी चिंता नहीं? 2015 में जब हम सत्ता में आए तो उस समय 15,000 से ज्यादा डेंगू के केसेस थे, लेकिन 2018-19 में यह आंकड़ा घटकर 2798 तक पहुंच गया। पहले साल में 2015 का अगर आंकड़ा देखें तो डेंगू से 60 मौतें दिल्ली के अंदर हुई थी, लेकिन ईश्वर की कृपा है और दिल्ली के लोगों का हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि उन्होंने दिल्ली को अपना समझकर डेंगू मुक्त दिल्ली बनाने के अभियान में हमेशा सरकार का साथ दिया, जिसके कारण से एक भी मौत का मामला डेंगू से नहीं आया।